हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि गेट एकेडमी के रिव्यू के उसके फीडबैक के लिए, कि आप लोग को मालूम पता चल सके कि गेट एकेडमी की किस टाइप का कंटेंट डिलीवर करता है। और मैं गेट एकेडमी आई थिंक जून मई में ज्वाइन किया था। मेरी लाइव क्लासेस फुल कोर्स में लिया था, तो उसका मैं आपको रिव्यू इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इतना बेहतरीन कोर्स है ना कि आपको मैं क्या बता सकूँ। कितना इतना कंटेंट उसका इतना मस्त है ना कि आप एक बार लोगे ना तो आप ऐसा फील करोगे मैजिकल, और टेक्निकल में आप एकदम डूब जाओगे कि गेट एकेडमी किस टाइप का कंटेंट प्रोवाइड करता है। रियली हम लोग जो यूट्यूब पे है उसका तो 10-10 टाइम मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको वो लाइव कोर्स में मिलेगा। तो मैं एक बाय एक अभी तक मैं जितना सब्जेक्ट पढ़ा हूँ तो मैं आपको एक 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 बता देता हूँ कि किस टाइप से लेक्चर डील होता है, किस टाइप से नहीं होता है, तो और क्या कमियाँ क्या नहीं, मैं सब आपको धीरे धीरे बताऊँगा। तो आप देखते रहिए आगे कंटिन्यू। तो सबसे पहले मेरा हुआ था, सबसे पहले सब्जेक्ट मेरा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक हुआ था, जो उमेश ढांडे सर, मैं उमेश ढांडे सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और वो ये ना एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक अगर आप पढ़ोगे ना तो उनसे तो आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक से प्यार हो जाएगा। सर से तो आपको है रहेगा ही प्यार, पर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक एकदम बेस्ट कंटेंट, एकदम बेस्ट ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतना डिटेल एनालिसिस एक सब्जेक्ट की कम से कम मेरे पास 4 बुक भर गई है, मैं आपको अभी नहीं दिखा सकता फिलहाल। फिर इसके बाद मेरा हुआ नेटवर्क सब्जेक्ट तो बोले तो बिल्ला एकदम बोले तो खतरनाक सब्जेक्ट सर ने पढ़ा कि हर एक बेसिक से बच्चे को आ जाता, जो मुझे बहुत बेसिक था, मुझे नहीं आता था कुछ, इतना भी नहीं आता था, एवरेज था मैं। अभी हम लोग काफ़ी अच्छा टेक्निकल फील करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग का पैरलर ही चल रहा था, एप्टीट्यूड सौरभ साकुठर ने लिया था। सौरभ साकुठर ने तो एकदम कमाल ही कर दिया था, बोले तो एकदम उन्होंने सब पूरा जो चीज़ होती है जैसा परसेंटेज हो गया उसको हम लोग को माइंड में कर दिए थे कि कितना कितना होना चाहिए जो रिलेटेड है वो है। फिर उसके बाद हम लोग का सब्जेक्ट चला था पावर सिस्टम में दीप्तांशु सर ने लिया था, डीसी सर लिए थे, जो कि बहुत ही बेहतरीन था, बहुत ही अच्छा था, इतना भी एक्सेलेंस नहीं बोलूँगा क्योंकि कहीं कहीं मेरे को थोड़ा कमी लगा पावर सिस्टम में क्योंकि डिटेल नहीं हो पाया। तो थोड़ी सी मेरे को पावर सिस्टम सब्जेक्ट में थोड़ी सी शिकायत रहेगी कि पावर सिस्टम थोड़ा सा बेहतरीन किया जाए। और इसके बाद हमारा ये चला था इलेक्ट्रिकल मशीन वरुण श्रीवास्तव सर ने लिया था कि वो बहुत ही डिटेल हम लोग को एकदम मतलब फील करा देते थे कि ट्रांसफार्मर में एक्चुअली हो क्या रहा है, कि हो कैसा रहा है, कि ऐसा वेब फॉर्म कैसा जा रहा है, तो आपको सब वो एनालाइज होगा क्योंकि अभी फ़िलहाल हम लोग कनेक्ट है डिजिटल बोर्ड के साथ एकदम मस्त आपको देखने का मिलेगा। और आप ये भी देख सकते हैं कि अभी हम लोग करंटली पढ़ रहे हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट रवि सर, जो कि वो कंप्लीट किए अपना ISC बेंगलोर से एमटेक, तो आप जानते ही रहेंगे कि किस टाइप लेवल का वो पढ़ा रहे होंगे। अगर मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि आपको मैं गाइड कर रहा हूँ, मैं कि मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ कि ये कोर्स हमको सर ने बोला गया कि आप लोग सब ये बनाओ, हम लोग सिर्फ वीडियो बना रहे हैं कि आप ले पाए। क्योंकि जब मैं ये कोर्स परचेस नहीं लेता था इसके पहले मैं फील क्या करता था, क्योंकि मैं देखता था सस्ता चीज़, इंडियन लोग की मैंटेलिटी यही है कि हम एकदम सस्ता चीज़ देखे हम लोग उसको अट्रैक्टिव हो जाते। पर मैं बाद में जी सेंट्रिक करके कोई कोर्स है किसी ने बताया था, और जी जेनिक एजुकेशन कोई बताया था कि इतने सस्ते में कोर्स मिल रहा था, तो मैं यहाँ तक मैं अपने भाई से बात भी कर लिया था कि लेने के लिए, पर एट द टाइम मेरे को जब मैंने लाइव क्लासेस एनालॉग का देखा तो मैं सर के ऊपर तो फिदा हो ही गया कि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सर का, तो मैंने सोचा कि बस नहीं गेट एकेडमी ही लेना है। तो आपको मैं इसलिए गाइड कर रहा हूँ कि अगर आप बाद में मनी को इन्वेस्ट करेंगे कि बाद में आपको प्रॉब्लम होगा कि अरे यार मैं ये ले लिया रहता, कोई मेरे को बताने वाला होता, तो जस्ट मैं ऐसे आपको गाइड कर रहा हूँ कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ना कि मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ। बस यही मैं बोलूँगा, अगर आपको अगर टेक्निकल में कुछ करना है तो आप डेफिनेट गेट एकेडमी ज्वाइन कीजिए। गेट एकेडमी एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप जस्ट लीजिए, मैं बार बार बोलूंगा नहीं तो आपको लगेगा कि मान जस्ट आप एक बार लेके देखिए, उसके बाद आपको नहीं फील होगा तो आप वीडियो में कमेंट करना कि हाँ भाई तुमने गलत बोला था तो तुम्हारे साथ ये हुआ। ओके ठीक है, थैंक यू।